नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों के साथ। लखनऊ में योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। तबादला नीति पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। इसके साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है। इसके अलावा स्टाम्प पंजीयन विभाग के प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। साथ ही साथ औद्योगिक विकास विभाग से जुड़ा प्रस्ताव भी इस बैठक के दौरान पास हो चुका है। में योगी सरकार की एक अहम कैबिनेट बैठक हुई। इस दौरान कुल 17 प्रस्तावों पर मुहर लगाकर उन्हें पास कर दिया गया है। अयोध्या पहुंचे शिवसेना सांसद संजय राउत ने राष्ट्रपति चुनाव पर बड़ा बयान दिया है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने शरद पवार की मुलाकात पर संजय राउत ने कहा कि शरद पवार देश के सबसे बड़े नेता है। शरद पवार इस देश के आज के सबसे अनुभवी नेता है और आगे कहा कि 15 तारीख को दिल्ली में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गैर भाजपा शासित प्रदेशों के नेताओं की बैठक बुलाई है, जिसमें हम सभी शामिल हो रहे हैं। इस दौरान भाजपा सरकार पर भी संजय राउत ने जमकर निशाना साधा। शरद पवार साहब इस देश के आज के सबसे अनुभवी नेता है और जब इस प्रकार का चुनाव आता है या इस प्रकार की कोई स्थिति पैदा होती है तो हम सब लोग पवार साहब से मार्गदर्शन लेने के लिए उनके वहां पहुंचते हैं। कल 15 तारीख को दिल्ली में एक बैठक हो रही है, उस बैठक में तय होगा रणनीति, राष्ट्रपति चुनाव के बारे में हमको क्या करना है, किस दिशा में जाना है, चुनाव किस प्रकार से लड़ना है, ये कल तय होगा। प्रयागराज में जुम्मे की नमाज के बाद हुई हिंसा के बाद पुलिस लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। पूरे घटनाक्रम के मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद उर्फ पंप के 3 मंजिला मकान को प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा जमींदोज कर दिया गया। वही पुलिस द्वारा चिन्हित किए गए अन्य दंगाइयों के अवैध निर्माणों को भी गिराने की बात अब सामने आ रही है और सीसीटीवी कैमरे की मदद से अन्य दंगाइयों की अब पहचान भी की जा रही है। इसी के डर से स्थानीय लोग अपने अतिक्रमण को खुद ही हटाते हुए नजर आ रहे हैं। नापाक मंसूबों को अंजाम न दे सके, बाकी सभी कम्युनिटी के लोग हमारे भाई बंधु हैं, मित्र हैं। मुकदमा दर्ज है, 70 नामजद हैं, कुछ अज्ञात हैं, उन्हीं की गिरफ्तारी हो रही है या की जाएगी जो वास्तव में शामिल हैं और जो हार्ड क्रिमिनल्स हैं। ऐसे लोग जो जिनको उकसाया गया नाबालिग हैं, उन पे हम विचार करेंगे। अगर वो खराब प्रवृत्ति के नहीं होंगे तो उन पे ध्यान दिया जाएगा, विचार किया जाएगा, निर्णय लिया जाएगा। फिरोजाबाद में जुमे की नमाज के बाद उपद्रव मचाने वालों के पोस्टर पुलिस ने जारी कर दिए हैं। आरोपियों के नाम और पहचान बताने वालों के नाम और पतों को पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा और पुलिस जानकारी देने वालों को इसका इनाम भी देगी। वही पुलिस का कहना है कि पोस्टर में जिन 24 उपद्रवियों की फोटो छपी है वो लोग नकाब पहने हुए थे, इसलिए पहचान करने में थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है। और इसमें जो हमारे यहाँ की नमाज के बाद में कुछ गली के अंदर में जिन्होंने इकट्ठा होकर नारेबाजी की थी, तो उसके कई लोगों के जो चेहरे थे वो ढके हुए थे। तो उसमें सभी जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे हैं, जितने हमारे सिटीजन्स हैं व अन्य ग्रुप हैं, वो सभी से सहयोग लिया जा रहा है। उनका फोटो एल्बम वगैरह बनवा के जो लगातार छुपाया जा रहा है और उसमें चित्र भी कराया जा रहा है। बॉलीवुड
बलिया के जिला अस्पताल में नवागत डीएम के निरीक्षण में कई खामियां पाई गई। डीएम ने व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए, वहीं मरीजों ने अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा बाहर की दवा लिखे जाने का भी आरोप लगाया था, जिसके बाद डीएम ने अस्पताल को निर्देश दिया कि मरीजों को अच्छी व्यवस्थाएं दी जाएं और कहा लगातार मेरे द्वारा और अन्य अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण होता रहेगा, जिससे कि मरीजों को बेहतर से बेहतर और अच्छी से अच्छी सुविधाएं प्राप्त हो सके। इनको गर्मी से डिहाइड्रेशन हो गया था, जिस वजह से लूज मोशन बहुत ज़्यादा हो गया। ड्रिप वगैरह दिए डॉक्टर को, पहले से थोड़ा सा बेटर है। अच्छा, दवा वगैरह कहाँ से लाते हैं आप? दवा तो अभी कोई दवा नहीं था, सिर्फ बॉटल्स थी, ड्रिप्स थी, तो वो लोग खुद ही इन्होंने प्रोवाइड कराया था। ORS था और जो भी कुछ था वो लोग खुद ही। आज जिला अस्पताल का एक जनरल निरीक्षण किया गया है, यहाँ पे कर्मचारियों और डॉक्टर्स की उपस्थिति का निरीक्षण किया गया है, साथ के साथ यहाँ पे जो व्यवस्थाएँ हैं उसको भी देखा गया है और यहाँ पे कई सारी व्यवस्थाएँ कोविड की दृष्टिगत चल रही थी, तो इन सबको निर्देशित किया गया है अब वापस से रेगुलर अस्पताल की तरह सारी व्यवस्थाएँ संचालित करें, जिससे कि मरीजों को बेहतर सुविधा प्रदान। गाजीपुर में आईजी वाराणसी परिक्षेत्र द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय का निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान सर्वप्रथम सलामी ली गई। इसके बाद आईजी ने विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण किया, साथ ही अपराधों से संबंधित रजिस्टर और रजिस्टर में लिखे विभिन्न अपराधों के बारे में पूरी जानकारी ली और रजिस्टर को कायदे से रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल ने सीएम के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा है और महानगर संयोजक अनु चौधरी की रिहाई की मांग की, साथ ही इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर बर्खास्त किया जाए। हिंदू रक्षा दल का कहना है कि इंस्पेक्टर ने एक विशेष समुदाय के दबाव में आकर अनु चौधरी पर गलत FIR दर्ज करके मुकदमा लिखा है। दरअसल कुछ दिन पहले नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने की वजह से अनु चौधरी को गिरफ्तार भी किया गया था। रायबरेली के बिचलामाऊ गांव में मां और दो बच्चों का संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे से लटकता हुआ शव मिला। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया, जिसकी जानकारी ग्रामीणों ने फोन करके पुलिस को दी। वहीं ग्रामीणों की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों ही शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वह इस मामले पर पुलिस का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद मामले में खुलासा हो पाएगा कि ये मामला हत्या का है या फिर आत्महत्या का। देखिए, आज सुबह सूचना ये मिली है, बिटारा गांव में एक महिला ने, जिसकी उम्र करीब 32 साल की है और वो शादी कोर्ट के अभी स्पष्ट नहीं, 7 साल कोई बता रहा है, कोई 6 साल बता रहा है, उसने अपने दो बच्चों, एक की उम्र 5 साल एक की उम्र 3 साल, दोनों लड़कियां थीं, उसने पहले उनको कमरे के अंदर खुद को बंद करके कुंडी से उनको लटकाया और फिर खुद भी उसने अपने आप को हैंग कर लिया। खबर बुलंदशहर से है, जहां कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव में एक महिला से दुष्कर्म का प्रयास किया गया, जिसके बाद महिला के शोर मचाने पर परिजन जाग गए और परिजनों ने आरोपी को पकड़कर बुरी तरह से पीटा और पुलिस को मामले की सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है और मामले की कार्रवाई में जुट गई है। संजय नाम का लड़का है, उसने मेरे साथ बदतमीजी करी है, हम सो रहे रात के 10 बज रहे, हमने उसके साथ मारपीट करी है, हमने रौला काटा, गांव के सभी आदमी आ गए, सब ने ही उसके साथ मारपीट करी है। अब मैं तो सो रही थी, मेरे साथ बदतमीजी करने लगा, हम चौकी आए, रात को हमने फ़ोन करा 112 पे, कोई फ़ोन नहीं उठाया, फिर हम चौकी आए, चौकी हमने शिकायत कर दी लेकिन कोई सुनवाई ना हुई, फिर हम गाड़ी ना था जो गाड़ी भेज देंगे तुम जाओ घर को, हम घर चले गए, फिर गाड़ी वाले गए, दूसरी पार्टी के आदमी उसके साथ आ गए, उसकी उनके चोट आई तो उनके चौकी हुई है। खबर मुरादाबाद से है, जहां कुंदर की ऊंचा गांव के निवासी एक पीड़ित ने आरोप लगाया कि कुछ भूमाफिया लोग उसकी जमीन पर कब्जा करना चाह रहे हैं। वह इस मामले पर पीड़ित का कहना है कि हमारी जमीन पर हो रही बाउंड्री को दबंगों ने आकर तोड़ दिया और विरोध करने पर दबंगों ने हमारे साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस थाने जाकर शिकायत की तो उल्टा पुलिस ने हम ही को धमका कर वहां से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद पीड़ित व्यक्ति मुरादाबाद SP कार्यालय पहुंचा और भूमाफिया लोगों के खिलाफ एक शिकायती पत्र देकर कार्रवाई करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। सर, मैंने पिछली बार भी एप्लीकेशन दी, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है, वहाँ भूमाफिया लोग आते हैं, वहाँ मकान बना हुआ था, दादा लाई जमीन है और
मेरे वाइफ के साथ बदतमीजी करी उन लोगों ने, वहाँ मकान तोड़ दिया है और पुलिस भी साथ में आती है, वो डराती है धमकाती है। श्रावस्ती में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां गैंगस्टर एक्ट में शामिल आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वही पुलिस का कहना है कि आरोपी युवक काफी दिनों से फरार चल रहा था, जिसकी वजह से उसकी गिरफ्तारी के लिए 15,000 रुपए का पुरस्कार घोषित किया गया था। थाना सिरसिया क्षेत्र का निवासी एक सातिर अभियुक्त जिस पर वन अधिनियम के मुकदमे और गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई थी, काफ़ी दिनों से मानचित चल रहा था और 15,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था, उसकी गिरफ्तारी की गई। औरैया में एक हत्या का मामला सामने आया है, जहां मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस दौरान एक की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वही मृतक युवक के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो खबर हम आपको औरैया से बता रहे हैं, जहाँ मामूली विवाद के चक्कर में दो पक्षों के बीच विवाद इस हद तक बढ़ गया कि इस दौरान एक युवक की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर बताए जा रहे हैं। वहीं 5 रूप से गंभीर हुए लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना अजीत मल क्षेत्र के ग्राम सिगोड़ी में दो पक्षों के बीच में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें लाठी डंडे चले थे। तत्काल पुलिस सूचना में मौके पर पहुंची थी, जिसमें 6 लोग घायल हुए थे। घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अजीत मल लाया गया था, जिसमें एक व्यक्ति को डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया था। 5 व्यक्ति को गंभीर स्थिति देखते हुए इनको सैफई रेफर किया गया, अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। गोंडा में ज्येष्ठ महीने के आखिरी बड़े मंगल के शुभ अवसर पर श्रद्धालुओं ने क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर भंडारे का आयोजन किया। माधवगंज स्थित पावर हाउस उपकेंद्र के निकट उमानाथ तिवारी, राजकुमार तिवारी, अनिल कुमार, संदीप मिश्रा की अगुवाई में चना पूड़ी नुक्ति का वितरण हुआ, जिसमें राहगीरों सहित आसपास के रहने वालों ने प्रसाद ग्रहण करते हुए प्रसाद का लुत्फ भी उठाया। प्रसाद वितरण किया गया। इस दौरान इस प्रसाद को राहगीरों के साथ साथ आसपास के रहने वाले लोगों ने भी ग्रहण किया है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।